सक्सेना ने भी बताया कि वो मतलब वो झूठ बोल के जिम में जाती थी दैट शी इज एक्चुअली अ मैन बिकॉज यू नो शी हैड दैट. आई एम श्योर आपके लिए इतना एक्सट्रीम तो नहीं था, आफ्टर ऑल वी डू लिव इन इंडिया, बट आई एम श्योर यू हैड सम डिफिकल्टीज. ऑफ कोर्स आई हैड because being a Muslim girl, no one supported in my family, no one supported in my district. So only my father has supported me till now, and my family also agreed. Because when I was starting boxing, then I got one punch on my eye, then my mummy rone lag gayi thi ki beta aise maar khaogi to tumse shaadi kaun karega. Then maine has ke bola mummy अगर एक बार ना ओलंपिक में मेडल आ जाएगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी. हाँ, तब उन्हें पता चलेगा. तो अभी पंच लगने से भी मम्मी बोलते कोई बात नहीं आइस लगा लो. लड़के आपसे डरते हैं क्या? पहले मैं लड़कों के बहुत मार खाती थी पर अभी मैं उल्टा मारती हूँ. आप उनको मारते हैं? मैं वही पूछ रही थी कि लड़के आपसे डरते हैं क्या? डरते हैं. मैं कोई मतलब एकेडमी में या स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो सब बोलते अरे आ गई है ये तो मतलब क्या बोलते हैं तेलुगु में बोलते हैं कि मतलब बोल दो हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे. ओके लड़की थकती नहीं है ना. हाँ उसमें बहुत एनर्जी है. हाँ, वैसे तो मतलब यू आर गिविंग द बॉयज कंपटीशन. हाँ लेवल में आने के बाद जब हम नेशनल कैंप्स में रहे हैं तो हमें वहाँ पे मिली हैं. और जुगाड़ की बात मैं बताऊँ तो हमारे पास जिम नहीं होता था और जिम तो दूर की बात है. हमारे पास जो जो मैट जो गद्दे होते हैं वो भी हमारे पास नहीं होते थे तो हम मिट्टी में अखाड़े में हम प्रैक्टिस करते थे. और तो पुलअप्स चिनअप्स हम करते थे, पुशअप्स हम करते थे, ईंटें रख कर उसके ऊपर हम पुलअप्स करना, सिटअप्स वगैरह दौड़ लगाते थे बहुत सारी. क्योंकि मुझे लगता है कि कार्डियो जितना ज़्यादा हमारा होगा वो फिटनेस के लिए वो उतना ही अच्छा है. और यस तो मतलब यही इसी तरह का जुगाड़ कि अगर एक दो प्लेटें हैं तो उसी को घुमाते रहना, मतलब उसकी रेपुटेशन ज़्यादा करना. राइट यस राइट. आर देर एनी दिस इज़ फॉर ऑल थ्री ऑफ यू ऑल, आर देर एनी लाइक एवरी डे आइटम्स दैट यू हैव एवर यूज्ड? मतलब दीपिका ने अभी बताया कि जो कुर्सी है उसके साथ बेंच प्रेस करना, तो मतलब घर में पड़े हुए कोई भी एवरी डे आइटम्स जो मतलब हम देखते हैं या तो बाहर गार्डन में कुछ भी देखते हैं, हैव यू यूज्ड एनीथिंग लाइक दैट इन योर वर्कआउट? यस जब कभी हम मतलब बिजी होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं या फिर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमें जिम नहीं मिलता कई बार, तो फिर उस टाइम पर हम रूम तो हमें मिलता ही है अगर होटल में भी जाते हैं तो. लेकिन जब हम रूम में भी होते हैं तो एक तो रस्सी के साथ हम करते हैं और या फिर पुशअप्स हम करते हैं. पुशअप या मुझे नहीं पता सब लोग जानते हैं नहीं, उठक बैठक जो जिसको बोलते हैं, मोस्टली रेसलर वो करते हैं तो हम उठक बैठक खूब सारी लगाते हैं, 500-700 सर बोल रहे कि वो करते हैं. Deepika, I think you were going to say something. Yeah, I think no one knows this. I mean, but you know, I always whenever after training, you're supposed to stretch for about half an hour, 45 minutes to cool down. Yeah. And I'm actually very lazy at that, so I just take the car and go back home. We have to ask all the girls, who's really lazy about stretching after the workout? I don't endorse that. They all feel you. No, but I make sure, so when I get back home, I always make sure, so when I know it's not a good thing, but I always stretch on my dining table. Stretch on my dining table. But that's the best. Yeah, I can imagine the good stretch that's happening with something like that. We've also seen a rise of women in all your sports now, you know, and we've seen that there is that growing attention that is taking place in these various fields. So do you think that India is now focusing well on women when as athletes? यस यस यस. मैं अगर मैं अभी रेसलिंग की अगर मैं बताऊँ, वुमेन रेसलिंग की, तो हरियाणा में 30-40 अखाड़े नए खुल गए जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ जो छोटी लड़कियाँ हैं वो उसमें आ रही हैं और आना चाहती हैं. हमारे खुद के अखाड़े में मेरे मतलब मेरे पिता कोच हैं तो हमारे घर पे भी अखाड़ा है तो उसमें हर रोज़ दूसरे दिन मतलब मैं कहूँगी कि हर रोज़ उनके पेरेंट्स लड़कियों को लेके आते हैं कि मतलब रेसलिंग सिखाओ. और मुझे लगता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे 8 साल बाद 10 साल बाद एक
इंडिया में स्पोर्ट्स का एक अलग ही मुकाम होगा. हरियाणा के हवा में तो कुछ तो है, हवा में, हवा में है, मिट्टी में है, दूध में है, क्या है कि वहाँ से मतलब हमारे देश के इतने सारे रेसलर्स आ रहे हैं. वो कहते हैं ना कि हरियाणा का दूध एक घी का खाना है, तो मुझे लगता है वही हमें बहुत ताकत देता है. वो ही ताकत देता है. निखत, what inspired you to be a boxer? मतलब के ऐसे कैसे हुआ आपके लाइफ में, क्योंकि आपके घर में कोई बॉक्सर्स है? एग्जैक्टली. कोई नहीं, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स ही है. हाय हाय, मम्मी तो रोने लगी जब निखत ने बोला कि मुझे बॉक्सर बनना. मेरी मम्मी भी डॉक्टर है. और रोने लगी. तो what inspired you? What inspired? Actually, Laila Ali was my childhood idol, so she inspired me to take up boxing. And after joining boxing, मुझे मैरी कॉम नहीं पता था मैरी कॉम कौन है ये सब ना. जब मैं नेशनल मेडल जीती तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ बॉक्सिंग में. तब मैंने 2009 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था. देन 2010 में मेरा नेशनल में गोल्ड एंड बेस्ट बॉक्सर आया. तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ. तो मैं बॉक्सिंग के बारे में जानने लग गई, बॉक्सिंग में कौन से प्लेयर्स है, कितने लेजेंड्स है, सब पता चला मुझे. देन मैंने मेरी कॉम के बारे में सुना. सो वो मेरी मतलब आइडियल बन चुकी है कि 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे भी उनके जैसे बनना है. नेक्स्ट मेरी कॉम नहीं, पर नेक्स्ट मतलब निखत जरीन ही बनना है मुझे, जो मुझे निखत जरीन से नाम से जाने जाए. सो दैट इंस्पायर्ड मी, तो मैंने बॉक्सिंग में आगे जाने के लिए सोचा है. What about you, Deepika? I mean, how did it come into your life? I actually come from a family where all of us actually played sport. Okay. My mom captained the Indian cricket team in her days. My granddad played basketball for India, and my grandmom was an athlete for India. Wow. So I come from a family where sport was the only way out. We had to play sport. But how I took up squash, I mean, I played tennis for 2 years, and my grandmom pulled me off the tennis court saying, you're getting too tanned, you can't play tennis outdoor. Oh, so I sat home. So I sat home for a year, and then one day my best friend went to the squash court, and that's how I started playing. It was by accident. That's surprising that you come from a family of sports, but stereotypes, I mean, we all deal with that, and it doesn't matter where you come from in the world, everybody deals with stereotypes. And one of the people that tries to break stereotypes is Adidas, and especially with the Here to Create campaign, we're hoping that we can get people to think out of the box, push themselves, innovate and create. And abhi main stereotype ki baat kar rahi thi, और मुझे पता है कि ये रेसलिंग जो है मतलब इट इज मेल डोमिनेटेड. तो व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट यू आल्सो हैड इन जस्ट यू नो ट्राइंग टू ब्रेक दैट, मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे आपके लिए? अगर प्रॉब्लम्स अगर किसी ने मतलब ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया तो मेरे पिता ने किया, क्योंकि हम बच्चे थे और सब कुछ मेरे पापा देखते थे, कोच मेरे पापा थे. तो हमारे लिए मुश्किल सबसे जो था वो था सुबह 4 बजे उठना, और उठने के बाद वो तीन चार घंटे ट्रेनिंग करना, फिर स्कूल जाना, और फिर वापस आके वही ट्रेनिंग. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही था, और बाकी की सब चीज़ें समाज की तरफ से लोगों का बोलना, वो सब चीज़ें मेरे पापा को झेलनी पड़ी. All right. I'm sure there are a lot of questions that, or some questions at least, so that we can get from the audience. I don't want to keep talking over here. So if any of you have any questions that you would like to ask, could I please request you to raise your hand so that, yes, ma'am. Are you referring to all of them? Okay, okay. मुझे ही नहीं, मेरी सभी बहनों को मोटिवेट मतलब मोटिवेशनल वाली कोई बात नहीं थी. हम तो मेरे पिता के डर से करते थे ऐसे. लेकिन अब जब हम समझने लगे स्पोर्ट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, तो उसके बाद हमें जो मोटिवेट करता है वो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, उस चीज़ को अचीव करना है. तो वही हर रोज वही मतलब किसी चीज़ को पाने की चाहत ही हमें मोटिवेट करती है. पूछना चाहेंगे कि आप क्या राजनीति में आना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में आपने बोला कि हरियाणा के बहुत एक से एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं बड़े बड़े, फिर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है. आपने बोला कि खेत में घर में करते हुए, क्योंकि आप राजनीति में आए कि स्पोर्ट्स के लेवल को ऊपर बढ़ाया जाए,
कोई क्रिकेटर अगर जीत के आता है एयरपोर्ट तो लेने के लिए मर्सिडीज गाड़ियां जाती हैं, लेकिन हॉकी वाले खुद ऑटो रिक्शा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, आपने देखा होगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन मेरा भी पॉलिटिक्स में जाने का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि और अगर मैं रेसलिंग छोड़ने के बाद अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो मैं अकेडमी खोलना चाहूँगी रेसलिंग की, जिसमें मैं जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आने वाले जो बच्चे होंगे उनको मैं सिखा सकूँ। हॉकी वाली बात करें, जीत के आते हैं ऑटो रिक्शा करके पहुँचते हैं, अगर क्रिकेट जीत के आते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? It's okay. We'll try and talk about hashtag here to create and Adidas. Thank you, sir. You've asked quite a few questions. Yes, sir. No, sir. You've asked quite a few questions. Thank you. Yes. I think the times have definitely changed. Yes, there are a few difficulties, but I think because of women doing so well in the country, people are starting to believe in us, right? I think it was more about, okay, you know, let the women go out there and see what they can do, but we're actually sitting there and proving everyone right now. And I think it's definitely becoming more popular in the country, women's sports, and I think a lot of us and a lot of juniors are looking up to a lot of athletes and wanting to take up sport. So yes, it is improving, but it can definitely do way better. All right, yes sir, tell me. देखिए सबसे पहले तो जब मतलब फिल्म बनने के बाद लोग पहचानने लगे तो मतलब इस चीज़ का बुरा लगा कि जो मेडल 2010 में हमें मिला था उसका प्यार और सम्मान हमें अभी दंगल फिल्म आने के बाद मिल रहा है, लेकिन खुशी की बात थी कि फिल्म बनी है, लोग हमें अब हमें हमारे चेहरे से पहचानने लगे हैं और there's lots of recognition for you all now. Yes, और yes. मेरे पिता के लिए हमें सबसे ज्यादा खुशी yes. है, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता था कि हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे and you're here.